जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, जहाँ पे भी रहें मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। और बस अब मैं वापस तो आ चुकी हूँ और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया, इन्जॉय भी मैंने बहुत ही ज़्यादा किया, अब्दुल्ला ने भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पे। और काफ़ी इन्जॉय करने के बाद तो है वो दिल जो है वो कर ही नहीं रहा था कि बंदा वापस आए, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल वापस आने को। अब्दुल्ला भी काफ़ी जो है बाबा के साथ काफ़ी अटैच हो चुका था, कह रहा था मैंने वापस ही नहीं जाना, मैंने बाबा के साथ जाना, मामा आप चली जाओ। तो लेकिन कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना कि कराना ने घर जाना ही हुंदा है, तो फिर असी भी घर आ ही गए। तो रस्ते दे विच तुहानू सीन विखाते हैं कि रस्ते में कितने प्यारे प्यारे सीन है, माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीनरी है। तो बस यही दिखाते आ रहे हैं और अपने दिल को बहलाते आ रहे हैं और दिल जो है वो काफ़ी उदास हो चुका है, तो आपके सामने ही है। तो इस वजह से सैड सैड काफ़ी दिल उदास था, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस आऊँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये भी व्लॉग ज़रूर पसंद आने वाला है और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें अब्दुल्ला के बाबा जल्दी से आ जाएं और इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलके एक बहुत अच्छा और लाइव व्लॉग बनाएंगे। कोई वॉइस ओवर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह ज़रूर हम अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और देखें आप, हम बस में साथ साथ आप लोगों को ये दिखाती जाती हूँ। और वहाँ पे अब्दुल्ला ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, आपको पता है वो बाबा के साथ इतनी सारी बातें भी कर रहा था और मज़े भी कर रहा था, इन्जॉय भी कर रहा था। और प्लीज़ जो मेरे न्यू आने वाले चैनल पे हैं वो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सकें।